राजस्थान में एक बार फिर ईडी की छापेमारी। जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी की छापेमारी। राजस्थान में 25 जगहों पर ईडी की रेड। राजस्थान चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की चौथी लिस्ट। इस लिस्ट में 26 उम्मीदवारों का नाम। हनुमानगढ़ से सचिन कौशिक, चुरू से संजय खान, झुंझुनू से राशिद खान और बाड़मेर से भगवान सिंह को टिकट दिया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीरा भी सवाई माधोपुर से नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी के दिग्गजों ने विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरना शुरू कर दिया है। बीजेपी की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे आज झालावाड़ से अपना नामांकन भरेंगी। झालावाड़ में वसुंधरा राजे के नामांकन के बाद होगी विशाल रैली। खबर यह भी है कि इस रैली में अमित शाह शामिल हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस को झटका लगा। 30 सालों से कांग्रेस को समर्पित रहे नेता राजकुमार किराडू ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इतना ही नहीं, उनके साथ उनके करीब 200 समर्थक भी बीजेपी में शामिल हो गए। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की तीसरी लिस्ट। इस तीसरी लिस्ट में 58 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने जोधपुर के सरदारपुरा सीट से गहलोत के सामने महेंद्र सिंह राठौर को उतारा। टोंक सीट से अजीत सिंह मेहता को दिया गया टिकट। बीएसपी ने भी 47 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में जसवंत गुर्जर को बीएसपी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया, जो बाड़ी विधानसभा से बीजेपी से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। आपको बता दें, जसवंत गुर्जर ने हाल ही में बीजेपी छोड़कर बीएसपी का दामन थामा। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चौथी उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें टोडा भीम सीट से राम निवास मीणा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। शिव सीट से स्वरूप सिंह खारा को टिकट दिया गया। इससे पहले बीजेपी ने तीन लिस्ट जारी कर कुल 182 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस साथ छठी लिस्ट जारी कर सकती है। आपको बता दें, अब तक कांग्रेस 156 नाम घोषित कर चुकी है। 44 नामों का ऐलान बाकी है। इनमें जयपुर, कोटा और नागौर सहित कुछ अन्य जगहों के लिए नामों का ऐलान होना भी बाकी है। रेलवे में अवैध शराब, कैश और हथियारों की संभावित तस्करी में निगरानी हेतु अलर्ट मोड पर आरपीएफ। जोधपुर में आरपीएफ ने चेकिंग के दौरान 95 लाख नकदी और 8,61,000 की 11 किलो चांदी पकड़ी।